आठ नवंबर रात के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और सबके संबोधन में तानाशाही रवैये के तहत देश के अंदर मध्य रात्रि को नोटबंदी की घोषणा की और उस नोटबंदी के बाद के परिणामों को लेकर के जो आज देश तथा उसको लेकर के आज देश भर में और कांग्रेस पार्टी 8 नवंबर को विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। साथ ही 2016 8 नवंबर में जिस तरह से ये आदेश देश के प्रधानमंत्री यानी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिया, उसमें 5 बातों पर देश के प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर जोर दिया और देश को ये विश्वास दिलाया था कि भी इस नोटबंदी के बाद देश के अंदर 5 खासतौर से 5 जो बातें देश के लिए लाभदायी हैं। उन 5 बातों में ये कहा गया था कि देश के अंदर जो काला धन है उसका निपटारा किया जाए, यानी कि देश के अंदर जो काला धन है वो वापस देश के खजाने और देश की सरकार के पास आए। काला धन के साथ साथ आतंकवाद पर उन्होंने बहुत बड़ा हमला बोला था और बहुत बड़ी बात की कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज ये चौथी बरसी इन 4 वर्षों में आप देखेंगे देश के अलग अलग कोनों में खासतौर से जम्मू कश्मीर और चाहे हम नक्सली की हम बात करें नक्सली हमलों की बात करें आप देखेंगे घटनाओं में घटौती की बजाय बढ़ोतरी की हुई। तो ना तो आतंकवाद का काम नकली नोटों को लेकर के जो आधार बनाया गया था कि बिना आतंकवाद जैसी घटनाओं पर नकली नोटों का चलन बहुत होता है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है, देश को कमजोर करने का काम किया जाता है, तो नकली नोटों में भी लगाम लगे, ये भी देश की जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया। नोटबंदी के साथ साथ भ्रष्टाचार और महंगाई उन्हें बहुत सरल तरीके से देश की आवाम को समझाने का प्रयास किया था कि जब नोटबंदी होगी कालाधन वापस आएगा तो देश के अंदर अच्छे दिन आएंगे, महंगाई में लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और भ्रष्टाचार को कम करने का बहुत बड़ा उद्देश्य भी इसके सामने। तो अफसोस इस बात का है कि नोटबंदी के 4 वर्षों के दौरान देश के अंदर क्या ये सारी बातें 5 बातें खासतौर से क्या इन पर लगाम लग पाए, क्या देश के अंदर अच्छे दिन आ पाए, मुझे आज भी याद आता है बहुत सारे लोगों को इस नोटबंदी के माध्यम से काला धन के माध्यम से ये भी विश्वास दिलाया गया था कि लोगों के खातों में लगभग 15 लाख रुपये प्रत्येक देश के नागरिक के पास 15 लाख रुपये उनके अकाउंट में आए और ये काम करके नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री जी का देखिए। तो 4 वर्षों में आज चौथी बरसी है, इसीलिए आज धोखा दिवस नहीं विश्वासघात दिवस नहीं, आज